नमस्कार, क्राइम सस्पेंस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं कमर खान। इस खबर के प्रायोजक हैं जैन हॉस्पिटल, ट्रस्टेड नेम इन हेल्थ केयर। जैन हॉस्पिटल बिरसा डेंटल कॉलेज कैंपस सेक्टर 8C बोकारो झारखंड। झारखंड राज्य में बेटियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब 1000 लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 996 हो गई है, जो पहले 951 थी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है और इस खुलासे के बाद बीजेपी महिला मोर्चा में खुशी की लहर है। बेटियों के लिंगानुपात बढ़ने पर महिला मोर्चा के सदस्यों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी है। महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह ने बताया कि मानव संसाधन विकास ने जो भी रिपोर्ट जारी किया है, उसके पीछे झारखंड में बीजेपी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 100% सफलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राज्य के मुखिया ने बेटियों के लालन पालन और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। इसका नतीजा यह हुआ है कि केंद्र सरकार ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है। पेश है रांची से हमारे संवाददाता आकाश कुमार की एक रिपोर्ट। देश की संजोजिका सह महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य आदरणीय सीमा दीदी बैठी हुई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी भाइयों और बहनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू करने के लिए मैं अपने होंगे कि आज का जो विषय हम लोग का था वो भ्रूण हत्या का जो रेशियो बढ़ा है, तो उस पे हम लोग चाह रहे थे कि अगर उस पे फोकस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ बोल सकते हैं इसके बारे में कि 14 तारीख का वेट कीजिए, कुछ क्या वर्डिक्ट आता है इसमें आप और हम कैसे किसी को बोल सकते हैं कि कोई क्या है क्या नहीं है, ये तो हम लोग नहीं बोल सकते ना। ये तो क्या वर्डिक्ट आता है कोर्ट का, कानूनी कार्रवाई तो हो रहा है, कानूनी कार्रवाई। ये कुप्रथाएं आज की नहीं है, आज तो कम हो रही है, आज लोग जागरूक हो रहे हैं। आज जिस तरह से बच्चियां पढ़ रही हैं और आगे बढ़ रही हैं, तो आने वाले समय में आप देखिएगा ये बहुत ही कम हो जाएगा। तो इसे भी कम करने के लिए सरकार अनेकों कदम उठाए हैं और इसका आप आने वाले समय में आप असर देखेंगे भी। आज हम लोगों ने जो आप लोगों को बुलाया है, हम लोगों ने विशेष रूप से आभार प्रकट करने के लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, हम सब महिलाएं भारतीय जनता पार्टी की हम लोग आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकल्प की मैं प्रदेश संयोजिका हूं और ये प्रकल्प जो है ये ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जिसका बहुत सफल रूप से यहां पर रघुवर दास जी के नेतृत्व में बहुत सफलतापूर्वक ये कार्यक्रम चला और चल रहा है, जिसका ये परिणाम है कि आज सेक्स रेशियो जो हमारा लिंगानुपात है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है, बच्चियों की बढ़ोतरी हुई है। और जैसा कि हमारी अध्यक्षा ने बताया ये बात कि इसका ये परिणाम क्यों है, क्योंकि ये महिलाओं को इतना सशक्तिकरण, इतना सशक्त बनाया है हमारे रघुवर दास जी ने, महिलाओं के लिए इतने सारे कार्य चलाए हैं कि उसका ये परिणाम है कि आज गांव-गांव में की और औरतें भी जान रही हैं कि नहीं, लड़कियां जो हैं उनको पढ़ाना है। पहले बहुत स्कूल में ड्रॉप आउट होता था, लेकिन आज सारी लड़कियां 100% लड़कियां जा रही हैं, पढ़ रही हैं, पढ़ के उच्च शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। बहुत ज़्यादा सशक्त बनाने का काम हमारे रघुवर दास जी ने किया है। तो आज हम जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की हमारी महिला कार्यकर्ता हैं, हम लोग सब लोग की तरफ से मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। विशेष रूप से आज जो हमारे मानव संसाधन मंत्रालय के द्वारा जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार हमारे झारखंड राज्य में बेटियों की जन्म दर में वृद्धि हुई है। इससे पूर्व जो हमारा जन्म दर था वह 1000 लड़कों पर 952 ऐसा लड़कियों का जन्म दर था और यह बढ़कर आज ज़्यादा हो गई है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी सरकार की ही उपलब्धियां हैं, उनके कार्यों के कारण ही आज हमारा जो बेटियों के प्रति बेटियों का जो विश्वास बढ़ा है और बेटियों में जो सशक्तिकरण आई है उसका श्रेय हम माननीय मुख्यमंत्री जी को मानते हैं। उन्होंने बेटियों के लिए बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ किया, जैसे आप जानते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकल्प केंद्र से लेकर के राज्य तक तो चल ही रही है। साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बच्चियों को विशेष करके मुख्यमंत्री सुकन्या योजना चलाकर एक मजबूती दी है। आज हमारी बच्चियाँ पढ़ भी रही है और आगे बढ़ भी रही है। आप देख रहे हैं कि पहले लोग 5वीं पास 8वीं पास किसी तरह मैट्रिक पास करा देते थे, फिर उनकी पढ़ाई किसी न किसी कारणवश छूट जाती थी, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। अब हमारी बेटियां उच्च श्रेणी में भी नामांकन लेने के लिए सबसे ज़्यादा संख्या में आगे बढ़ रही है।
और यह रिपोर्ट विशेषकर ऐसी बच्चियों के कारण ही मिला है। आज नामांकन का जो बढ़ा है संख्या, उसका कहीं ना कहीं इस राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के कामों के कारण बढ़ा है। आप देख रहे हैं एक रुपया में जमीन रजिस्ट्री हो रही है, आज तक आपने सुना नहीं होगा। आज लोग एक रुपया की को मानते ही नहीं है कि एक रुपया कुछ है, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक रुपया की भी महत्व को बढ़ाया और विशेषकर महिलाओं के महत्व को बढ़ाया और घर की मालकिन बनाने का काम किया है। लाखों की संख्या में आज रजिस्ट्री हुई है उनके नाम पर। सखी मंडल बना करके महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर बढ़ाया है, स्वरोजगार की ओर बढ़ाया है। तो ऐसा आप अनगिनत, हम जिधर भी आप नज़र दौड़ाइए, महिलाओं के लिए कोई ना कोई योजना आज हमारे शहर से लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों तक चल रही है। आप दीजिए सच का साथ, जुड़िए हमारे साथ, रखिए अपनी पैनी नजर, हम हैं क्राइम सस्पेंस। नमस्कार।